जबलपुर में आज हुजूर पैगंबरे मोहम्मद साहब की यौमे विलादत के मौके पर शहर के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पैगंबरे इस्लाम सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, अपने सारी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया। आपकी दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करके हर इंसान अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। उक्त उद्गार मदरसा कार्यक्रम में हाफिज जी उन्होंने बताया कि मदरसे में एक छात्र छात्राओं के कुरान मुकम्मल होने पर उनकी दस्तारबंदी कर उन्हें इनामात से नवाजा गया, वस्त्र वितरण किए गए और उन्होंने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की और तमाम देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। इस अवसर पर मुजावर मोहल्ला गढ़ा तकिया बेदराना व मोहल्ले के सभी बुजुर्ग बार नौजवान मौजूद थे, उनका भी सम्मान किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आप तमामी हजरात को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूं और ये पैगाम देता हूं कि ये यौम विलादत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और आका करीम जो हम तमाम उम्मत को देने आए अल्लाह की जानिब से, वो आज के दिन दिखाने और अपनाने का दिन है। लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं भी हैं वो नबी पाक का मिलाद बड़े ही ज़ौक़ और शौक़ से मनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, अगर ए महबूब आप ना आते या आपको पैदा ना करना होता तो मैं ये दुनिया को ना बनाता। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो मेरे नबी पाक के सदक़े में बनाई है, लिहाजा हम अगर खा भी रहे हैं तो ये मेरे नबी का सदका है, हम अगर घूम भी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, नमाजें अदा कर रहे हैं, सब कुछ मेरे नबी का सदका है। लिहाजा अगर सब कुछ नबी पाक का सदका है तो हमारे रवैये और हमारे चाल चलन में भी नबी पाक का तरीका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जुलूस का अदब व एहतराम करें, ज़्यादा खुराफात न मचाएँ और नबी पाक के एहतराम का ख़ास ख्याल रखें। आका करीम के हम तमाम उम्मती हैं, जितने अदब से हम चलेंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज हमें देख रहे हैं तो आका करीम ज़रूर खुश और खुश बख्त नसीब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम के हम तमाम ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों का यही काम होता है कि ग़ुलामी नबी पाक की करें और किसी की ना करें। अल्लाह ताला ये जुलूस अपने अभी निकला गढ़ा से, काजी मोहल्ला गढ़ा से निकला, फिर अभी बगहा से होते हुए वापस अपने मकाम बैदरा मोहल्ला होते हुए, गुलवा होते हुए, गौतम मड़िया होते हुए अपने मकाम पर पहुँचेगा, इख्तिताम पजीर होगा इंशाअल्लाह। आप तमामी हजरात बने रहें और जुलूस को अदब व एहतराम के साथ अपने मकाम तक पहुँचाएँ। मेरा नाम मोहम्मद अमीर अशरफ, काजी मोहल्ला गढ़ा जामा मस्जिद पेश इमाम। आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। आज हमारे आका सरवरे कौनो मका सैयद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे पैदाइश का दिन है, जो बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे हिंदुस्तान में तो तमाम दुनिया में मनाया जा रहा है। इसी के तहत जबलपुर में उपनदी गढ़ा में भी इस जुलूस को बड़ी शांति और बहुत सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है और तमाम जगह जुलूस का स्वागत हो रहा है और तमाम छोटे छोटे रास्तों में जुलूस निकल रहा है, बड़ी शांति से जुलूस को लेके चला जा रहा है। बाकी शाम को अपने अपने मुकाम पे जुलूस मुकाम करेगा, बासरात सलाम पेश किया जाएगा, उसके बाद जुलूस का समापन किया जाएगा। हम ये चाहते हैं, भारत को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एकता अखंडता बनी रहे, जैसा भाईचारा तमाम सालों से बना रहा है वैसा हम सब एक दूसरे के साथ मित्र हैं। जैसे गणेश पर्व आज चल रहा है, आज मिलादुन्नबी, हम सब एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। आने वाले साल में भी हमारे आने वाली नस्लें हम सब इस त्योहारों को बहुत मोहब्बत से मनाते रहे। सैयद कादर अली कादरी। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस गढ़ा क्षेत्र में निकाला जा रहा है, क्योंकि आजाद नगर और मुजावर मोहल्ला से होती है तकिया मोहल्ला के जुलूस को लेकर के अभी आनंद कुंज पहुंच रहा है। इसके बाद ये गुलौवा चौक तक, उसके बाद बीटी तिराहा जा करके मुजावर मोहल्ला में समाप्त होगा। इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, लगभग 80 लोगों का बल लगाया हुआ है इस जुलूस में।
और काफ़ी संख्या में लोग हर्षोल्लास के साथ पैगम्बर साहब के जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जुलूस शांतिपूर्वक चल रहा है। हाँ, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जुलूस में जुलूस के मार्ग में सामने की ओर से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया गया है।